स्पेशल हांडी चिकन बना के दिखाऊंगा कि हांडी चिकन किस तरीके से बनता है। और ये हमने नई हांडी ऑर्डर करी हुई है जिसे हम गैस में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है दोस्तों, आप लोग इसे घर पे बनाइए। बहुत ही अच्छी रेसिपी है हांडी चिकन, और ये आजकल अभी सभी जगह अवेलेबल है। मार्केट में आपको मिट्टी की हांडी कहीं भी मिल जाएगी। ये 1 किलो मैंने चिकन लिया हुआ है, फ्रेश चिकन है दोस्तों, कभी भी यूज़ करना हमेशा फ्रेश चिकन ही लेना। और ये मैंने कुछ 5-6 हरी मिर्च ली हुई हैं, और कटा हुआ लहसुन है, 2 साबुत देसी लहसुन मैंने लिए हुए हैं। ये जो कटा हुआ लहसुन है ये भी देसी है। आपको हांडी चिकन में सिर्फ देसी लहसुन का ही यूज करें क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। 250 ग्राम के लगभग प्याज ली हुई है, 3 टमाटर, और ये कुछ मैंने धनिया की जड़ें ली हुई हैं। और ये जैसे कि धनिया में आपको पता ही है कि बहुत सारी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो बहुत ही अच्छा है हमारी सेहत के लिए, और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है हांडी चिकन पे। ये धनिया की जड़ें आप ज़रूर यूज करें। और इसी के साथ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हुए हैं, 4 लाल मिर्चें, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और नॉर्मल इलायची। सरसों के तेल में ही मैं इसे बनाऊंगा। तो चलो दोस्तों ट्राई करते हैं हांडी चिकन। आपको कुछ इस तरीके से प्याज की कटिंग करनी है, छल्लेदार प्याज बनाना है हमें। इस तरीके से आपको इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, प्याज जो हमारा अच्छी तरह से खुल जाएगा। लच्छेदार प्याज हमें चाहिए इसके लिए। टमाटर की कटिंग भी आपको कुछ इस तरीके से करनी है क्योंकि हांडी में टमाटर गल जाएगा, तो इसलिए हम इसे थोड़ी कटिंग इसकी मोटी ही रखेंगे। स्लाइस में आपको इसे काटना है। ये मैंने गैस ऑन करी हुई है, हांडी मैंने गैस के ऊपर रख दी है। अब थोड़ा हांडी को हम गर्म करेंगे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि 250 ग्राम मैंने ऑयल लिया हुआ है सरसों का। तेल हमारा गरम हो चुका है, 2 चम्मच मैंने इसमें जीरा ऐड किया, 2 चम्मच आपको इसमें जीरा डालना है। और ये गरम मसाले जो मैंने लिए हुए थे, तेज़पत्ता और लाल मिर्च और थोड़े से खड़े मसाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है हांडी पे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। गरम मसाला हमारा जो खड़ा मसाला है भुन चुका है। अब मैं इसमें लहसुन जो है मैंने छिली हुई थी उसको मैं साबुत ही डाल रहा हूँ क्योंकि ये हांडी में ऑलरेडी गल जाएगी। लहसुन भी आपको अच्छी तरीके से ब्राउन करनी है। लहसुन भी हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा हम इसे ब्राउन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हांडी चिकन में जो है हाफ ही ब्राउन होता है सभी कुछ। ये प्याज मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ जो मैंने काटी हुई थी। क्योंकि लोग तो हांडी चिकन में प्याज वगैरह कच्चा ही यूज करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ब्राउन करूँगा हल्का। 1 चम्मच इसमें नमक ऐड करूँगा ताकि ये हमारा नमक से अच्छी तरह से प्याज गल जाए। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए इस पर ढक्कन लगा दूँगा ताकि ये प्याज हमारी होती रहे, लो फ्लेम कर दूँगा, प्याज हमारी अच्छी तरीके से भुन जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है। बहुत ही अच्छी डिश है दोस्तों ये हांडी चिकन, और ये बहुत तरीके से बनाई जाती है। 7 या 8 प्रकार की डिश मैं भी बनाना जानता हूँ। हांडी चिकन में बहुत सारी डिश हैं, आने वाले टाइम पे मैं आपको नई नई तरीके की डिशें बना के दिखाऊंगा। इसका बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट आता है दोस्तों, और बर्तनों के अलावा मिट्टी के बर्तन में बना हुआ बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। अब तो काफ़ी बर्तन इसके आ चुके हैं मिट्टी के, मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से हमारा प्याज भुन चुका है। अब मैं इसमें कटी हुई टमाटर ऐड करूँगा। आँच हमने इसमें कमी रखनी है, हाई फ्लेम में कभी भी हमें इसे यूज नहीं करना क्योंकि हांडी
हांडी है, लो फ्लेम में ही इसमें काम करना पड़ेगा हमें। टाइम ज़रूर थोड़ा लगेगा पर टेस्टी बहुत होगा। लाल मिर्च ऐड करूँगा 1 चम्मच और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैं इसमें नमक और ऐड करूँगा, 1 चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर यूज करूँगा। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन के साथ बंद कर दूँगा और फ्लेम इसकी थोड़ी कम कर दूँगा आँच, ताकि टमाटर हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। टमाटर भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से पक रहा है, आप देख सकते हैं कि मैंने आँच भी इसमें कम रखी हुई है, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से हमारा मसाला पक रहा है। मसाला हमारा एकदम रेडी हो चुका है और अब हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगा। ये हांडी जो है हमारी 1 किलो चिकन के लिए ही बनी है, इससे ज़्यादा इस हांडी में हम बना नहीं सकेंगे। इसको मैंने अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। जो हमारे पास साबुत मिर्च थी मैं इसमें साबुत मिर्ची ऐड करूँगा और जो मैंने धनिया की गांठें ली हुई थी वो मैं इसमें अभी डाल दूँगा इस तरीके से, और 2 साबुत लहसुन मैं इसमें रख दूँगा। दोस्तों 2 लहसुन, साबुत लहसुन, देसी लहसुन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हांडी चिकन की खासियत यही है, इसके बिना तो इसका टेस्ट अधूरा है। आप लोग देसी लहसुन कोशिश करिएगा कि देसी लहसुन का इसमें यूज करें। दोस्तों इसमें मैंने थोड़ा सा 1/2 कप पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। अब हम इसको बंद कर देंगे इस तरीके से और मैं थोड़ा सा इसमें आटे की लेप लगाने वाला हूँ। आपको इस तरीके से आटे को इस पर लगाना है, इससे क्या होगा कि ये हमारे प्रेशर कुकर की तरह काम करेगा। और थोड़ी सी जगह मैं इसमें छोड़ के रखूँगा ताकि हमारी वहाँ से गैस निकल जाए। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से इसे पैक कर लीजिए और थोड़ी सी जगह मैंने इसमें छोड़ दी है। आपको इसको इस तरीके से हिलाते रहना है, क्योंकि नहीं तो ये नीचे से तले में जल जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि ये नीचे लगेगा नहीं और ना ही जलेगा, और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। आपको इस तरीके से पकड़ के इसे हिलाना है। इसे 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे इस तरीके से चेक करेंगे कि ये, मुझे लगता है कि ये हो चुका है, बन चुका है हमारा चिकन हांडी। इस तरीके से आपको इसे उठाना है। वाह क्या बन रहा है हमारा हांडी चिकन, देखिए। बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है और ये जला भी नहीं, ये हांडी से लगा भी नहीं है। बहुत ही अल्टीमेट हमारा बन रहा है चिकन हांडी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 1/2 कप पानी ऐड किया हुआ था, बाकी जो है चिकन का ही पानी इसमें हो चुका है और एक्स्ट्रा पानी हमें डालने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा चिकन पक चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा कलर इसमें आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गैस मैंने 5 मिनट पहले बंद कर दी है, फिर भी आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गैस पे ही रखा हुआ है।